नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त बोली और आप देख रहे हैं सारा स्पोर्ट्स मल्टी न्यूज। इस वक्त हम गांव गोठड़ा में दादा भैया रेसलिंग स्पोर्ट्स सेंटर के अंदर हैं और यहां के बच्चों ने ब्लॉक स्तर के ऊपर अपनी जो रेसलिंग की उपस्थिति जाहिर की है और अपनी पोजीशन लेके आए हैं। तो आज हम दादा भैया रेसलिंग स्पोर्ट्स सेंटर गोठड़ा के अंदर भाई हैं, तो इनसे आज हम बात करेंगे कि भाई कैसे इन्होंने मेहनत की है और कैसी इनकी आगे की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेमों के लिए इनकी क्या तैयारी है। तो बातचीत करेंगे। राम राम पहलवान जी। राम राम भाई साहब। तो पहलवान जी, कैसी तैयारी है और कैसे आपने इनकी जो मेहनत करवाई है जिससे कि इनकी ब्लॉक लेवल के ऊपर पोजीशन आई है? ये लगभग 15 रेसलर अपने सेंटर से इन ब्लॉक स्तरीय खेल जो हो रहे थे रानी ला में, इनमें भाग ले रहे थे। तो लगभग 13-14 इन मात दो या तीन बच्चे रहे हैं, बाकी सबकी पोजीशन आई है। इन मात 8 बच्चे अपने फर्स्ट हुए हैं और 5 बच्चे 6 बच्चे इन मात सेकंड हुए हैं। स्कूली लेवल के गेम थे ये, अंडर 11 के हैं। 11 में किस किस की पोजीशन है भाई? ये आए हैं, ये 14 में हैं। नीचे कर ले बेटे, अंडर 14 में है। किस किस के आए? 14 वाले हैं, बताइए भाई। 14 साल वाले कौन कौन हैं इन माता? अच्छा ठीक, 17 में, 17 साल वाला में ये है। वो मोन्टी नहीं आ रहा? अच्छा, दो तीन बच्चे आ नहीं रहे आज प्रैक्टिस में। तो कैसे इनकी आपने तैयारी करवाई जिससे कि इनकी पोजीशन आई भाई? नेशनल या स्टेट लेवल बढ़िया करके दिया, क्योंकि 2-3 साल तक कोरोना था, बच्चा ने भाग लेने का मौका मिल नहीं रहा था। इब की बार मौका मिला ही, भी हमने थोड़ा ईसा टाइम सा मिला के जल्दबाजी ही थी बच्चा की, क्यों कागज कुगज बनवाने थे कई कंडीशन हो खेल के उसमें। तो इन माते ये इब 8 बच्चे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल लेंगे, तो हम अनुमान लगा रहे हैं 5-4 बच्चे आगे स्टेट भी खेल लेंगे और भाई नेशनल तक का हम टारगेट कर रहे हैं। तो अभी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कब खेलेंगे? ये 2-4 दिन में है, ये अपने 13 या 14 की हैं, तो उसमें भाग लेंगे। ये चरखी हैं स्कूल में ठाडे श्री महाराज के में, तो उसमें भाग लेंगे। तो और भी पहलवान हैं अपने बड़े जो बुजुर्ग पहलवान हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो राम राम पहलवान जी। राम राम भाई। तो पहलवान जी, कैसे आप यहाँ पे परमानेंट आते हो या फिर कभी कभी प्रैक्टिस कैसे करते हो? इधर मैं आ ही जाता हूँ लगभग। तो पहले जो समय की जो पहलवानी थी और अब की पहलवानी में कितना अंतर है? कोई अंतर नहीं होता पहलवानी में। पहलवानी आज की पहले की जो हमारे आप समझते हैं कि जो हमारी पीढ़ी की और आज की पहलवानी कोई अंतर नहीं है। हम पहलवानी के विषय में महाभारत काल से जानते हैं, हिंदुस्तान में पहलवानी प्रैक्टिस की है, पहलवानी करेक्टर की है, पहलवानी एक्सरसाइज में खबाट की है। जो बच्चा मेहनत कर जाएगा वो माल है। अभी इनकी जो पोजीशन आई है, तो इनकी पोजीशन के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? इनकी पोजीशन पर यह है, मैं तो इसलिए आता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं और इन्हीं में से मुझे लगता है वर्ल्ड चैम्पियन, ओलंपिक चैम्पियन, कॉमनवेल्थ गेम में, नेशनल में यही बच्चे जो आज प्योद है, इनको देखता हूँ तो मैं भी जवान हो जाता हूँ। और इनको हो सकता है कोई ऐसी टेक्निक जिससे नेशनल पोजीशन आ जाए, इंटरनेशनल पोजीशन आ जाए, कॉमनवेल्थ में पोजीशन आ जाए, एशियाड में पोजीशन आ जाए, और कॉमनवेल्थ वाले गेमों में हमारी पोजीशन आ जाए। तो इन्हीं बच्चों में से आस लगी हुई है, इसलिए मैं आता हूँ 3 कोस पैदल अखाड़े पर। इन बच्चों को कोई ना कोई बच्चा इनमें से निखर जाए, निकल जाए और हमारे देश का नाम हो, इस अखाड़े का नाम हो, इनके माता पिता का नाम हो, गांव के अखाड़े का नाम हो। बिल्कुल सही बात बताई भाई। खबाज की कुश्ती खबाज करेगा बालक, वो मतलब फड़ पाओगा। और बाकी हम तो भाई कई दिन तक बढ़िया खबर करा रहे हैं और सब कुछ करवा रहे हैं। तो हमारे कुछ जो साथी हैं, इनसे भी बात करेंगे जो रेसलिंग की जो तैयारी करते हैं। तो राम राम भाई साहब। राम राम। तो भाई, कितनी पोजीशन आई है तेरी यार? फर्स्ट पोजीशन आई ब्लॉक में।
अच्छा फर्स्ट पोजीशन ब्लॉक में आई है, तो कितने टाइम तक तैयारी करो? एक साल हो गया। एक साल हो गया, तो ये आगे किस लेवल पर खेलने जाओगे? आगे डिस्ट्रिक्ट पर जाऊँ। डिस्ट्रिक्ट पर, तो किसी किसी की तैयारी है? बढ़िया तैयारी भाई, सही। अच्छा इसमें आई है त्रिवे, मतलब कौन सी में आई? अंडर 19 में आई। चलो कौन से में पोजीशन आई तेरी? अंडर 17 में आई। कितने वेट में? 67 वेट में। और भाई तेरी? मेरी 72 वेट में। और तो आगे किसी की तैयारी है? बढ़िया तैयारी है। बढ़िया तैयारी। पोजीशन किस में आई है? मेरे 61 किलो वजन में आई है। अंडर 17 में? अंडर 19 के अंदर आई है। अंडर 19 के अंदर, तो आगे किसी की तैयारी है? बढ़िया तैयारी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक गेम होने हैं, उनमें जाना है, बाद में नेशनल तक की तैयारी कर रहे हैं। घर में माता पिता ने के कितना साथ सपोर्ट मिल रहा है? बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं गुरु जी, घर के माता पिता और ये और बाहर खड़े में आ जाते हैं ये दादाजी और ये पहलवान आ जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अंडर 17 में आई भाई। अंडर 17 में पहलवान, किसी की तैयारी करवाऊँ भाई? पूरी तैयारी कर रहा पहलवान जी आपकी तरफ। कितने टाइम तक तैयारी करें? मत ये 5-7 महीने हो लिया। 5-7 महीने हो लिए। कौन से में? अंडर 14 अंडर 11 में। अंडर 11 में आई है। घर के कौन है फिर पोजीशन आई है तो? बहुत खुशी है घर का, खुशी है। तो और भाई तेरी किस में आई है? भाई मेरी अंडर 14 में। कितने वेट में? 35 वेट में। और तेरी भाई? मेरी अंडर 11 में। कौन से कितने वेट में? 34 में। 34 वेट में, किसी खुशी हो रही है? बढ़िया। तो ये बाग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगेगी बाजी नहीं लगेगी? लगेगी। तैयारी किसी का? बढ़िया है। पहलवान किसी करवाऊँ? ठीक करवा भी। बढ़िया करवाऊँ। सर कौन से वेट में आई पोजीशन? 32 में। 32 में अंडर 11। हाँ। घर के कहाँ? घर का नाम खुशी हो रही है। सर पहलवान किसी की तैयारी पूरी करवाऊँ? उसे बढ़िया। किसी की तैयारी चल रही? बढ़िया चल रही। कोशिश घर के कितना सपोर्ट करें? बहुत ज़्यादा। किस लेवल तक जाने की तैयारी मतलब कोशिश है? नेशनल तक। और प्रैक्टिस किसी की? बढ़िया। चलो नमस्कार साथियों, ये हमारे जो दादा भैया रेसलिंग स्पोर्ट्स सेंटर जो गोठड़ा गांव उसके अंदर है, उसके जो संचालक हैं प्रवीण उर्फ दौड़िया, तो ये संचालक हैं, इनसे बात करते हैं कि कैसे वो बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हैं और कितने टाइम से वो लगे हुए हैं और आगे बच्चों को किस लेवल तक ले जाने की उनकी कोशिश है। तो राम राम पहलवान जी। राम राम भाई साहब। तो पहलवान जी, आप कितने टाइम से बच्चों की प्रैक्टिस करवा रहे हैं? भाई जी उनका सारा आइटम रेसलिंग ताई दे दिया, गेम ताई दे दिया, बहुत समय हो गया। तो सोच है इनका, अब ये ब्लॉक स्तर पर स्टार्टिंग है, पहली पैड़ी मानो, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, नेशनल है, इंटरनेशनल है। तो अपनी तो यह ही सोच है अपनी, तो ऊपर लेवल तक ले जाने हैं। हाँ ऊपर लेवल तक ले जाने। जो आप प्रैक्टिस करवाते हो इसमें बच्चों के माता पिता से और आप कितना मतलब लोगों से कितना सपोर्ट मिल रहा है? बच्चों की सपोर्ट का ये है, माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं, कई बच्चों के बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं, साथ आवे हैं, अपने बच्चों की प्रैक्टिस पर ध्यान रखें, खान पीन पर ध्यान रखें, बाकी बैलेंस है, बढ़िया तैयारी चल रही है और कोशिश करांगे और बढ़िया करने की। अभी इनका डिस्ट्रिक्ट लेवल का आओगा तो उसमें और बढ़िया करांगे। बच्चों की जो पोजीशन आई है ब्लॉक लेवल के ऊपर, तो कैसी खुशी हो रही है? खुशी हो रही है, खुशी जब है जब ये नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ कर देंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, खुशी तो है पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर कुछ बढ़िया करके देंगे तो और ज़्यादा खुशी होगी। और मैं तो ये कामना करूँगा भगवान से, प्रार्थना है कि जो भी बच्चे या 8-10 बच्चे जिनकी पोजीशन आ रही है ये बढ़िया करके दें और जल्द ही हमने रिजल्ट सुनने मिला, भाई बहुत बढ़िया बच्चे तैयार हो गए नेशनल इंटरनेशनल लेवल के। जैसे कि आप प्रैक्टिस करवाते हो तो बच्चों को डाइट वगैरह में क्या क्या? हाँ डाइट वगैरह मुरे अपने बादाम रगड़े हैं, बादाम पीवे हैं और गैस सिलेंडर वगैरह दिन खातर दर रखा है, उसमें भाई अपने जो भी डाइट बनानी हो इन्हें बना के अपना खा पी ले हैं और फल फ्रूट है जितना भी जो भी है वो भी साथ साथ अपने रखे हैं बैग में या भाई अपने, तो वो भी साथ साथ भाई डाइट में खामते पीमते रहे। क्या करना चाहोगे अगर बच्चे अगर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीत कर आते हैं तो? पहलवान जी ने, राम फल पहलवान जी मकड़ानी से गुरु जी इन बताया डिसिप्लिन,
खाना पीना ठीक ढंग से रहना और साथ साथ बच्चे ने अपना एक टारगेट बनाना हो है कि भाई मैंने साल में दो साल में इस टारगेट पर जाना है, मेरी प्रैक्टिस का यो लेवल होना चाहिए, मैं इतने मतलब वो अभ्यास करूं। तो पहलवान जी भी लाग रहे हैं, गुरुजी हमारे तो बहुत बुजुर्ग पहलवान हैं, बहुत अच्छे टेक्निकल रहे हैं, बहुत बढ़िया अपने एरिए में गणती के जो पहलवान हूँ उनमें नाम रहा है पहलवान जी का। अम्फड़ पहलवान जी मकड़ानी से, हाँ तो ये भी लाग रहे हैं साथ साथ। हम भाई जी से भी मारत हमने कोशिश पूरी कर रखी है कि भाई इन बच्चा सब ये भाई हैं अपने, बलवीर है यो संस्था का में बहुत बढ़ चढ़ की सहयोग कर रहा है, ये जितने भी अपने साथी हैं टकान से हैं, खेड़ी से हैं, मकड़ानी से हैं, आसपास के गांव गुआंड का बहुत बढ़िया सहयोग। अंत में आप रेसलर के लिए आप क्या संदेश छोड़ना चाहोगे? भाई संदेश ये है आक जितने भी स्पोर्ट्स से कोई भी जुड़ा है एक रेसलर रेसलर ने नशे पत्यां से दूर रहो, अपनी बढ़िया अभ्यास करो, खाओ पियो, अपने गुरु का माता पिता का इनका कया मानो, जितना भी प्रैक्टिस में हम ज़्यादा लगन लगावांगे कामयाबी उतनी हमारा नज़दीक आती जाएगी। तो जो अभ्यास करेगा जो अंथक बना लेगा अपना आपने वो कामयाब हो जाएगा। ये लाइन अपनी सी है, इसमें अपना भीतर का जो है ना ताकत जब उसमें बनेगी जो दिन रात खून पसीने में ना लेगा, जो अपने नीचे जब देखेगा तो उसका खुद का फोटो खड़े दिखेगा, अग मेरा इतना पसीना पड़ लिया, मैं इतना ही अभ्यास कर लिया। उसके साथ साथ डाइट का है, डाइट भी पूरी लेनी पड़े खिलाड़ी ने और रेसलर ने, तो खासकर डाइट के बगैर फाइट नहीं, रेसलिंग लाइन में तो है ही नहीं, क्योंकि सुबह शाम अभ्यास करना और इतना हार्ड अभ्यास है रेसलिंग का, तो उसका पहलवान जी अगर अगर एक शेड्यूल अगर हम आपसे पूछे तो आप रेसलिंग के अंदर आप किस लेवल तक खेले हो? भाई रेसलिंग में नेशनल में खेल लिया हूँ, 4-5 नेशनल खेल लिया मैं, और हरियाणा स्टेट में मेरी पोजीशन रही कई बार, और डिस्ट्रिक्ट अपनी भिवानी थी, अब तो दादरी होगी, कई बार डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन आई, तो वो तो टाइम चला गया, ये तो इन की बात जी है भाई। अच्छा तो अब आपका अक्सर इन बच्चों को आगे लेके जाना? हाँ हाँ, इन बच्चों की जितना भी मेरे तो बनाएगा मैं इनके लिए भाई करूँगा, दिन रात मेहनत पर जुट रहा हूँ, और सहयोग बच्चों का ठीक मिल रहा है। कई बच्चे अपना टारगेट कर रहे हैं भाई हम आगे चल के इस लेवल पर करके दिखावांगे, और वो तो सब ने देखना है के? तो सही है, खुश हाँ अब लाग रहे हैं आप खबात के, ये भी बच्चे भी हम तो नहीं चाहो प्रार्थना भगवान तो भाई खुश रहेगी, अपनी खबात करो, खूब खाओ पियो, अपने माँ बाप का अपने गुरु का नाम करो, अपने गांव का अपने गुआंड का अपने एरिए का अपने देश का। चलो धन्यवाद परवान जी, धन्यवाद दोस्तों। ये दादा भैया रेसलिंग स्पोर्ट्स सेंटर जरखीदादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव कोठड़ा में है, और ये ब्लॉक स्तर के ऊपर बच्चों ने अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के अंदर अपनी कला का प्रदर्शन दिखाया है, और ब्लॉक लेवल के स्तर के ऊपर खेल के अंदर अपनी रेसलिंग के अंदर अपनी पोजीशन लेके आए हैं। तो जितना उसके इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबरें आपके सामने लेकर आते रहें। तो जितना उसके वीडियो को शेयर करना, धन्यवाद, राम राम।